हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले वंस अगेन आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, 8 स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का न्यू फ्रेश तरीके से हम वापस से सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी सब चीज़ पहले से कंप्लीटेड है, व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, आप उसको भी देखते रहो। लेकिन साथ में जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको वापस से दोबारा से पढ़ाया जा रहा है साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट। तो प्लीज़ अपने सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी लोग को इन्फॉर्म कर देना इस बारे में, एंड अवेयरनेस क्रिएट करो कि राहुल सर फिर से 7th 8th 9th के लिए वापस से पढ़ाना शुरू कर चुके हैं नया वीडियोस डिजिटल बोर्ड पर वो भी। तो शुरुआत हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, 3 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, आज हमारा 4th लेक्चर है और आखिरी वीडियो इस चैप्टर का, यानी कि आज हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये होने वाला है टोटली कंप्लीट। यानी जी हां, ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। पिछले कई लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ाया। फर्स्ट लेक्चर की बात करें, रैशनल नंबर क्या होता है वो सभी चीज़ हमने देखा, किस प्रकार से रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है वो हमने देखा। सेकंड लेक्चर में हमने कंपैरिजन करना सीखा। थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया। और आज चौथा लेक्चर और आखिरी लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर को, पहली बात तो इरेशनल नंबर होता क्या है वो जानेंगे, और इरेशनल नंबर को हम कैसे कोई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। शुरुआत हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। पहले तो हम लोग को, अगर आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत भी, तो हमने देखा था कि अगर कोई रैशनल नंबर की हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर का बेसिक क्या होना चाहिए, एम अपॉन एन के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कोई भी नंबर चाहे वो एक दूसरे के अपॉन में हो, मतलब माइनस में हो चलेगा, -6/7 है, -18/4 है, कोई भी रैशनल फॉर्म में, कोई भी रैशनल नंबर एम अपॉन एन में होना चाहिए, एम अपॉन एन के फॉर्म में, यानी ऊपर नीचे अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है रैशनल नंबर का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रैशनल नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा डेफिनेशन है, वो क्या बोलता है कि देर आर मेनी नंबर्स अदर देन रैशनल नंबर। बिकॉज वी नो दैट कि हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने देखा था किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर है 7/4, तो हमने हमने हमें ये चेक करना होता है नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है, 1, 2, 3, 4, और 7/4 है, ठीक है, उसके हिसाब से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारा आ जाएगा 7/4। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट 1 में देखा था कि किस प्रकार से रैशनल नंबर को इसमें नंबर लाइन नंबर या फिर हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं √2 के वैल्यू, √3 के वैल्यू, √5 के वैल्यू, √7 के वैल्यू, ऐसे कुछ वैल्यू होते हैं जिसका जो अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें या फिर इसका एक वैल्यूज के हिसाब से देखें तो ये एक रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर यूजुअली रूट में रिप्रेजेंट हम करते हैं, जैसे √2 इसका एक वैल्यू आएगा समथिंग 1 point something, √3 इसका भी एक समथिंग वैल्यू आएगा, √4 क्यों नहीं रैशनल नंबर है, √4 मेरा रैशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 आ जाएगा और 2 मेरा एक नॉर्मल इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर भी नहीं है और रैशनल नंबर हो सकता है, 2/1 कर दूंगा तो ये रैशनल नंबर बन गया, मतलब ये रैशनल है तो ये इरेशनल नहीं हो सकता। तो वैसे √5 का एक वैल्यू आएगा तो वो एक इरेशनल नंबर हो गया, √6 इरेशनल नंबर हो गया, √7 इरेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब इसको हम लोग को सीखना है, मेन तो वही है हमारा कि ये जो इरेशनल नंबर होते हैं इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लाया हूं जो कि ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, √2 नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक स्केल, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सीधा सा खींच देंगे। तो ये हमने लाइन एक सीधा सीधा खींच दिया, दिख रहा है आपको, क्लियर, एक लाइन आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमेशा की तरह हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो कि होगा 0 वाला लाइन, उसके बाद थोड़े से गैप पे हम लोग रखेंगे 1, थोड़े से गैप पे रखेंगे हम लोग 2, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे थोड़े से गैप पे रखेंगे -1, थोड़े से गैप पे हम लोग रखेंगे -2, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे भी और वहाँ पे, ठीक है। तो √2 जो नंबर है अगर आप देखोगे तो √2 एक ऐसा नंबर है जिसका समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन वो वैल्यू समझ लो मुझे पता नहीं। लेकिन अगर मैं अगला नंबर देखूं, √2 के बाद आता है √3, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन √4 एक ऐसा वैल्यू है कि √4 का आंसर आता है 2, मतलब हमारा √4 का जो आंसर है वो है 2। तो √4 को अगर कोई बोलेगा आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ये √4 है, तो ये √4 होगा,
सही कहीं पे रूट थ्री आएगा और उसके भी पहले कहीं पे रूट टू आएगा, मतलब कहीं ना कहीं वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में आपका रूट टू आने वाला है, यानी कि जो बेसिक वैल्यू होगा वो क्या होगा, वन, जो यानी बेसिक डिस्टेंस जो होगा वो वन होगा, क्योंकि वन और टू के बीच में, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये टू जो वैल्यू है ये रूट फोर का वैल्यू है और ये वन मतलब वन ही है, तो वन और टू के बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, यहाँ पे रूट थ्री आ जाएगा और यहाँ पे रूट सॉरी यहाँ पे रूट टू आ जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री आ जाएगा, फिर यहाँ पे रूट फोर, फिर रूट फाइव, रूट सिक्स, ऐसे करते करते आएंगे, तो वो हम लोग को उसके हिसाब से समझ में आया और ये चीज मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, समझ में आया ये चीज। अब हमको क्या करना है, हमको लेना है यहाँ पे, ध्यान देना बच्चा, हमको क्या लेना है, हमको यहाँ पे लेना है टेक टेक अ पॉइंट, या फिर हम लोग बोलेंगे ड्रॉ, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉ करने बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक नंबर सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, मतलब ड्रॉ लाइन एल, ठीक है, एक लाइन एल लिया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू वन, सॉरी ये जो वन मेरा जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लूँ बच्चा, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ अब, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या बोला मैंने कि जो मेरा वन का जो वैल्यू है, क्योंकि मुझे पता है कि वन के आसपास ही कहीं आएगा इस साइड में, तो एटलीस्ट बेसिक डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया, जीरो से वन वन है हमारा, तो हमने वन पे एक लाइन एल खींचने का डिसाइड किया। तो हम क्या ले लेंगे, स्केल ले लेंगे और वन पे एक लाइन खींच देंगे, ऐसा स्ट्रेट परपेंडिकुलर होना चाहिए, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक लाइन खींच दिया, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ लाइन का, ठीक है, एक लाइन एल ले लिया, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका आप नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं ए पॉइंट, इसका नाम मैं क्या रखता हूं, ए पॉइंट। अब मैं क्या करता हूं, अगला स्टेप में मैं क्या करता हूं कि टेक अ पॉइंट पी ऑन लाइन एल, यानी एल लाइन पे मैं एक पॉइंट लेता हूं पी नाम का, जिसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ जो एपी होगा वो होगा वन यूनिट का, ठीक है, वन यूनिट का डिस्टेंस होगा। देखो यहां पे ध्यान से, थोड़ा सा और मैं इसको साइड करता हूं, मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो दिमाग लगाओ मेरे को क्या ड्रॉ करना है, रूट टू ड्रॉ करना है, रूट टू जो होगा इसका वैल्यू वन के बाद आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि रूट फोर का वैल्यू टू होता है, तो टू के ये जो टू है इसके इधर तो आएगा नहीं, टू के इधर ही आएगा, तो टू के इधर ही पहले सबसे पहले क्या आएगा, रूट फोर, रूट फोर के पहले रूट थ्री, रूट थ्री के पहले रूट टू, मतलब यहां पे कहीं पे तो वैल्यू आएगा, ये मेरे समझ में आ गया। तो उसके पहले सबसे पहला वैल्यू उसके लिए क्या है, उसके लिए जो बेस वैल्यू है, यानी बोल सकते हैं एक प्रॉपर वैल्यू जो है वो वन है, तो हमने इसके लिए वन पे एक लाइन एल खींच दिया, इस लाइन का नाम क्या है, एल, लाइन एल खींच दिया, और इस लाइन एल परपेंडिकुलर खींचने के बाद हमने ए से लेके एक पॉइंट ले लिया पी नाम का, जिसका वैल्यू होगा वन यूनिट, वन यूनिट मतलब जितना जीरो से वन का ये है डिस्टेंस उतना ही ये उसका डिस्टेंस रहेगा, मतलब मान लो आपका यहाँ पे आया तो ये पॉइंट आपने ले लिया, इस पॉइंट का नाम है आपका पी पॉइंट, क्योंकि तो अगेन कितना है, वन यूनिट का होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली स्केल लेना है, ठीक है, और इस जीरो पॉइंट से आपको पी को जोड़ देना है, ठीक है, इस जीरो पॉइंट से आपको पी को जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया, एक स्केल लिया और जीरो पॉइंट से पी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है यहां तक दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, यहां पे देखो मैं हर स्टेप नहीं लिखूंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपना राउंडर लूंगा जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, ये वाला चीज लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ओ से लेके पी, यानी ये ओ से लेके पी तक का पूरा डिस्टेंस लूंगा, इस पे ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस लूंगा, ओ पे रखूंगा और यहां से लेके यहां पे एक आर्क कट मारूंगा, एक सेकेंड रुक जाओ, यहां से लेके यहां पे एक आर्क जो है ऐसा, क्या हो रहा है, सेकंड रुक जाओ, कलर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कौन सा कलर, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, येलो कलर हो गया, छोटा कर देते हैं। मैंने ओ पॉइंट पे रखा, पी तक का डिस्टेंस लिया और यहां से लेके यहाँ पे क्या किया मैंने, एक आर्क को कट मारा, यहां से मैंने एक ऐसा आर्क कट मारा, किससे कट मारूंगा, कंपास से, ऐसा कट मारते हैं ना, तो ऐसा मैंने कट मारा जिसके हेल्प से मुझे क्या मिला, एक पॉइंट मिल गया। अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करना चाह रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कट मारा, इस प्रकार से समझ लो कट मारा, तो इसके वजह से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट मुझे मिला है दोस्तों, ठीक है, इसके वजह से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिला,
मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। इसका नाम आप कुछ भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, लेट सपोज आप ए रख लो, बी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सी, पर जो ऑलरेडी रखा हुआ है उसको आप ले नहीं सकते, ठीक है। तो आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो, लेट सपोज कि इसका नाम क्यू रख लेता हूं मैं, ठीक है, इसका नाम मैं क्यू रख लिया, ठीक है, तो इसका नाम क्यू हो गया। तो ये क्यू जो है, ये जो पॉइंट आ रहा है, यही मेरा क्या है, रूट टू का वैल्यू है, ये मेरा क्या है, रूट टू है। तो ये मेरा रूट टू आया, उसके बाद आ जाएगा रूट थ्री, उसके बाद आ जाएगा रूट फोर जो कि है टू, समझ में। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो वैल्यू है ये दिख रहा है आपको, ये आपका रूट टू का वैल्यू है। इस प्रकार से आप कोई भी इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते, समझ में आ गया। तो चलो अब बढ़ते हैं हम सीधा, ये आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक कंसेप्ट। अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूं कहां पे, हमारे प्रैक्टिस सेट पे डायरेक्टली, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 और आखिरी प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको दिया हुआ है आपके बुक्स में, सिलेबस में आप देखोगे तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें लिख के दी हुई होती है और उसमें आपको जहां पे खाली डब्बे हैं वहां पे फिलअप करना होता है। लेकिन हमारा मेथड सेम है, जैसे हमने रूट टू को ड्रॉ किया, इसमें क्या बोल रहा है, नंबर रूट टू इज शोन, जैसे हमने इसके पहले रूट टू को ड्रॉ किया था, देखो रूट टू आया था ऐसे ही। लेकिन अब हमें बोल रहा है कि उसी पे आप रूट थ्री भी बना के दिखाओ। तो हमारा ये जो था, ये रूट टू आया था, इसी पे रूट थ्री भी ड्रॉ करके दिखाना है। तो हमने क्या लिया, वापस से एक नंबर लाइन लिया, सेम मेथड ना, पहले नंबर लाइन लिया, मुझे पता है कि रूट टू यहां पे, ये तो पहले से ही है, आ गया है हमारे पास, इसका नाम क्यू है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे रूट थ्री ड्रॉ करना है, मुझे क्या करना है बच्चा, रूट थ्री ड्रॉ करना है। तो रूट थ्री ड्रॉ करने के लिए मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, सेम जो रूट टू वाला पॉइंट था मेरा, देखो ये रूट टू वाला पॉइंट था ये वाला, इस पर मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, इस पर मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, उस पर एक लाइन खींचा, तो रूट टू वाले पॉइंट पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, इसका नाम रख दो एल, एल वन रखना, जो भी रखना रख दो, ये खींच दिया। उसके बाद मेरा जो ओ पॉइंट था, यहां पे भी आप देखो, ये जो ओ पॉइंट था उससे मैं ये क्यू वाला जो लाइन बनेगा उस पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, उस पर मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। और ये जो आर होगा ये वन ही लूंगा, ऑब्वियसली वन ही लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे अगर आप देखोगे, अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू नंबर इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट क्यू, तो हमने क्यू को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया इससे, इससे एक चीज पता क्या चला, देखो जब मैंने ये लिया, ठीक है, यहां पे भी एक चीज जो हमने आपको नहीं बताई कि आपको कैसे वैल्यू मिला, जो कि है यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका वैल्यू, ये जो है हमने वैल्यू नहीं निकाला था, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो आपको पता है ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ओ ए पी एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल ओ ए पी, इसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस, ये मैं आपको बताना रह गया, माफ करना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, हाइपोटेनस कौन है, ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, हाइपोटेनस कैसे पहचानोगे, जो 90 होता है ना, ये भी 90 है आपका, तो 90 के अपोजिट साइड रहता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर, ये एक साइड, और दूसरा साइड क्या है, एपी, एपी का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओए का वैल्यू कितना है, ओए का वैल्यू 1 है, इसका भी हमने 1 लिया था, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, That is nothing but OP square is equal to 1 plus 1, 2 हो जाएगा, तो OP का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, यहां से हमें OP का वैल्यू मिला, जो OP का जो वैल्यू है ये क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 है, और इसीलिए हमने जो ये लाइन खींचा, मतलब ये जो आर्क मारा, तो ये वैल्यू को हमने रूट 2 बोला, ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार ये चीज करना है कि हमें रूट 2 तो मिल चुका है, हमें रूट 2 तो मिल चुका है, तो रूट 2 में सबसे पहले हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, लाइन खींचा, और उस पे Q से लेके R का डिस्टेंस हमने 1 लिया, क्या लिया, लेंथ ऑफ क्यू आर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। O से लेके Q तक का वैल्यू हमें पता है ना, ये पूरा वैल्यू क्या है, रूट टू का वैल्यू है, O से लेके Q मेरा रूट टू है, सेम यहां पे भी मेरा ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू आर, तो Q 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस यहां पे भी लगाऊंगा, तो यहां पे भी पाइथागोरस लगेगा, दैट इज नथिंग बट ओ आर का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ओ क्यू कितना है मेरा, देखो ओ क्यू मेरा है रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर कितना है, 1 है, तो यहां पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो रूट टू का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 प्लस 1 होता है 3, ठीक है, 2 प्लस 1 होता है 3, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, 2 प्लस 1 होता है 3, यहां पे 3 आएगा, और ये ओ आर का वैल्यू आ जाएगा रूट 3, ये ओ आर स्क्वायर आया ना, ओ आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया 3, तो ओ आर का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट 3, तो हमें रूट 3 ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, सेम जो आपने लाइन खींचा था उस पे जो पॉइंट आपने बनाया था 1 सेंटीमीटर का, आपने ओ आर को ज्वाइन किया, फिर आपने ओ पे रखा अपना कंपास और यहां से मारा, तो जहां पे भी वो बनेगा वो आपका बनेगा रूट 3, और वो पॉइंट का नाम दे दो सी,
समझ में आया। तो इस तरीके से कोई भी डायग्राम आने दो, रूट थ्री आने दो, रूट फाइव आने दो, रूट सेवन आने दो, आप बना सकते हो। तो एक अगला एग्जांपल है जिससे आपको बेटर समझेगा, जो कि है आपको ड्रॉ करके दिखाना है रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पे रूट फाइव? देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले अगेन क्या करना है, स्केल ले लेना है। लिया स्केल, कलर चेंज करते हैं, स्केल ले लिया। ओके, यहां पे आपका जीरो होगा, यहां पे आपका वन होगा। ठीक है, वन होगा, वन के आगे हमने देखा था रूट टू था। ठीक है, वन के आगे हमने देखा था रूट टू था, उसके आगे हमने देखा था रूट थ्री भी था हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद कहीं पे आएगा आपका वैल्यू टू, के बाद यहां पे डिस्टेंस पे आएगा थ्री, और ये आते जाएगा। उसके बाद यहां पे आपका माइनस वन माइनस टू आते जाएगा। ठीक है, ये आपको समझा यहां तक? क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ड्रॉ करना है रूट फाइव, तो मुझे पता है रूट फाइव एक ऐसा नंबर है, रूट फाइव एक ऐसा नंबर है कि इसके पहले आता है रूट फोर। देखो यहां पे अगर मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूं, रूट फाइव एक ऐसा नंबर है कि इसके पहले मेरा रूट फोर आता है, और रूट फोर का वैल्यू होता है टू। तो रूट फोर के बाद आ रहा है ना रूट फाइव, तो यानी कि टू के बाद आएगा रूट फाइव, टू के बाद आएगा। तो टू के बाद आएगा मतलब ये जो टू का लाइन है इसके बाद कहीं पे हमारा ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम वही मेथड। क्या मेथड? कि हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एक बेसिक डिस्टेंस। तो बेसिक डिस्टेंस हमें क्या मिल गया, टू। टू हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट हो गया। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, माफ करना एक सेकेंड, हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे ड्रॉ लाइन एल ऑन टू, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मैंने शेप लिया, टू पे रखा और एक परपेंडिकुलर लंबा सा मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये क्या मैंने ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर टू पॉइंट पे ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक बच्चा? थोड़ा बट मोटा कर लेते हैं इसको, टू पे ड्रॉ कर लिया। अब अगेन जैसे मुझे पता है यहां पे कि मेरा ओ से लेके, अब इसका नाम कुछ रखना चाहते हो तो रख लो, इसका नाम मैं रख लेता हूं, लेट सपोज क्या नाम रखू, क्यू हो चुका था। ये पॉइंट मेरा क्या था बच्चा, ये पॉइंट मेरे लिए था, ये पॉइंट मेरे लिए क्या था, सी पॉइंट नहीं, क्यू पॉइंट था, क्यू था। नीचे नीचे लिखता हूं ना थोड़ा, ये पॉइंट मेरे लिए क्यू था, ये पॉइंट मेरे लिए सी था। अब इसका नाम कुछ रखना चाहते हो, लेट सपोज आर रख लो, आर रखना चाहते हो तो आर रख लो। इसका नाम मैंने आर रख लिया, कौन सा, ये वाला पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का नाम आर रख दिया। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ से लेके आर का डिस्टेंस मुझे पता है, यानी लेंथ ऑफ ओ आर जो है वो मुझे पता है, वो कितना है, यहां से लेके जीरो से लेके आर तक, ये आर पॉइंट है ना, आर पॉइंट तक कितना है, टू है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो एस, कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी, मैंने पॉइंट एस ले लिया ऑन लाइन एल। ठीक है, और सच दैट डिस्टेंस ऑफ आर से लेके जो एस बनेगा, आर से लेके जो एस बनेगा वो कितना बनेगा, वन यूनिट का बनेगा। तो मैं अगेन क्या कर रहा हूं, वन यूनिट का जो डिस्टेंस होता है यहां पे रखूंगा, और यहां से एक पॉइंट ले लूंगा, समझ लो यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, और इसका नाम मैं क्या रखूंगा, एस पॉइंट। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, अगेन अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में क्या करूंगा, ड्रॉ ओ एस, ओ एस को ड्रॉ करूंगा। तो ओ एस किधर है मेरा, मतलब ये ओ को जीरो को एस के साथ जोड़ दूंगा, ये ओ पॉइंट है एक्चुअल में देखा जाए तो, ये जीरो तो है लेकिन ये ओ पॉइंट है। ठीक है ना, ये क्या है, एक्चुअल में ओ पॉइंट है, समझ में आ रहा है, ओ का मतलब ये जीरो है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जीरो है, ये ओ पॉइंट है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, कोई बच्चे को डाउट, दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी। इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूं, ठीक है, क्लियर। अब यहां से ओ एस मुझे पता चल गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो ओ आर एस, तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओ आर एस, यहां पे जो आर है वो 90 डिग्री है, तो एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है। ओ एस इज द हाइपोटेनियस, यानी ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। ठीक है, ओ एस स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ओ आर का वैल्यू मुझे पता है, ओ से लेके आर का वैल्यू कितना है, टू है। देखो ये वन टू, टू है ना टोटल वैल्यू, तो टू है, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस आर एस का वैल्यू हमने कितना लिया था, वन यूनिट लिया था, वन यूनिट लिया था ना, ये पूरा आर एस का वैल्यू, तो ये वन है, वन का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि OS का स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 5, तो OS का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। और यही चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को ही रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसका मतलब ये जो OS है इसका वैल्यू क्या है, रूट 5 है, ये OS का जो वैल्यू है रूट 5 है। अब मुझे इस रूट 5 को अगर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं, हमारा कंपास लेना है, अगेन सेम ओ पे रखना है और एस तक का डिस्टेंस लेना है और यहां से लेके एक आर्क को ऐसा मार देना है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ऐसा लेके ऐसा मार देना है, तो जिसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, एक नया पॉइंट हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट यहां पे हमें मिल जाएगा और यही आपका पॉइंट है रूट 5 का। इसका नाम रखना चाहते हो कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम मैं रख देता हूं, क्या रखूं, टी हो चुका है ना, पी पहले हो चुका था, टी रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ टी। तो रूट 5 हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ऐसा लिख दो रूट 5 ऑन पर, ये हमने क्या कर दिया, ड्रॉ करके दिखा दिया, तो रूट 5 शो कर दिया हमने हमारे नंबर लाइन में, नंबर सिस्टम में। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, रूट 7 सेम उसी प्रकार करना है। रूट 5 आपने निकाल लिया तो रूट 5 जहां था वहीं रहेगा, उसके बाद आपको रूट 6 निकालना पड़ेगा। देखो यहां पे जो आपका नंबर सिस्टम था ये आपका 0 था, ये 1 था और ये 2 था, और इसके बीच में आपका क्या आ रहा था, ये रूट 2 यहां पे कहीं आ रहा था, यहां पे आपका रूट 3 आ रहा था, यहां पे आपका आ गया रूट 5, ठीक है, ये 1, ये रूट 2, रूट 3, रूट 4, ये रूट 5 हो गया। वैसे ही यहां पे कहीं पे रूट 6 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे रूट 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट 6 के बाद रूट 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, मतलब सबसे पहले आपको रूट 6 निकालना पड़ेगा, रूट 6 के बाद रूट 7 आपका निकल जाएगा। तो ये मैं आपके लिए बड़ा सा होमवर्क देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे काबिल बच्चे जरूर से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो जरूर से कॉमेंट करना अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है, तो जरूर से कॉमेंट करना, नहीं हो पा रहा है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क देते रहो, दैट्स वाई आप लोग एंगेज रहो और पढ़ाई करते रहो, थोड़ा सा पढ़ाई घर पर भी करके, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, इसके साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, ठीक है, तो जरूर से लाइक करना, और आप देख सकते हो इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट जो भी था आपका 1.4, ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो पूरा एंटायर चैप्टर रैशनल इरेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर एक और नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे, फिर तब तक के लिए क्या करें, थैंक यू एंड गुड बाय।